आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देते हैं बर्गर है? अरे बस क्या ये भी क्या खाने की चीज है? खाने का ना तो उर्मी के हाथ का वड़ा पाव खाने का। कौन? उर्मिला महादेव मात्रे विठल वड़ा पाव दादर। करिश्मा सिंह ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं सर, वो कुछ भी बोल जाती हैं कभी कभी, थोड़ा असर है ना। वड़ा पाव? हाँ लेकिन ये वड़ा पाव थोड़ी है, ये तो बर्गर है। हाँ सर वो शायद नाम पलट गए, भूल गई होंगी कि क्या किसका क्या नाम है ना। इनको भूख लगी है तो हम इनको खिला देते हैं बाहर जाके। आप समझिए सर, आप खाइए आराम से। अच्छा अच्छा है ना, हम इनको बाहर से कुछ खिला देते। अच्छा अच्छा। जय हिंद सर। जय हिंद। का याद आ रहा था तुमको इसको देख के? क्या बोल रही थी तुम, ये का है? ये बर्गर। हाँ नहीं तो बड़ा पाव बोल रही थी तुम। पर तू बोली ना फिर कि ये बर्गर है। वो हमने बोला बर्गर है क्योंकि ये बर्गर है, लेकिन तुम बोल रही थी कि ये बड़ा पाव है। हाँ याद आया, बड़ा पाव, उर्मिला की रेकड़ी, विठल वड़ा पाव। तुम रेकड़ी चलाती हो, तुम लोगों को बड़ा पाव खिलाती हो, खुद बड़ा पाव बनाती हो, कुछ याद आया उर्मिला महादेव मात्रे? हाँ उस वक्त कुछ कुछ याद आ रहा था, पर अभी मैं इतनी देर से दिमाग पे जोर लगा रही, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। पर मेरे को एक बात बता, अगर मैं वो है उर्मिला, तो फिर हसीना कौन है? हसीना वो जो महिला थाने की SHO है, और अगर महिला थाने की SHO है तो फिर मुंबई में वड़ा पाव काई के लिए भेजती थी? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये सब सोच सोच के मेरा सर दुख रहा है वो अलग। तुम अपने दिमाग में ज्यादा जोर मत डालो। तुम एक काम करो, तुम शरबत पियो। शरबत पी के तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा, तुम्हारा खोपड़ी एकदम ठंडा हो जाएगा, और तुम्हारे साथ रह के हमें भी अपना खोपड़ी ठंडा रखना पड़ेगा। जाओ तो शरबत बोलो, हम आते हैं। ठीक है पैसा तो तुम हमको कंगाल करके छोड़ोगी। हाँ रह गया ये मयूरी का पति। हम इधर ही है मैडम। हम कार्तिक, मयूरी के पति। हाँ भैया, तो आप है वो अतरंगी अद्भुत महानुभव जिसका नाम है कार्तिक। कार्तिक मयूरी के हस्बैंड। हाँ हमारी मयूरी ने हमें कहा है कि जो आप कहें वो ही हम करें बिना सवाल किए। अब हमारी मयूरी की बात हम कभी मना नहीं करते हैं बिना सवाल किए। अब आप ही हमें समझाइए ना मैडम कि हमारी जो समस्या है उसका समाधान कैसे निकल सकता है। समाधान निकल सकता है, अब तुम तो हमारी बात मानोगी, मयूरी ने बोला ना तुमको। हाँ हाँ हाँ, वो लड़की देख रहे हो, वो जो शरबत ले रही है, बहुत लाजवाब, एकदम बढ़िया। अरे मैडम आप गलत कहाँ हैं समझ रही हैं, हम उस शरबत की बात कर रहे हैं, बहुत ही टेस्टी है जी, हमने पिया है। हम तो सिर्फ अपनी मयूरी से ही प्रेम करते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें उससे रियल वाला प्यार नहीं करना है, सिर्फ दिखाना है। जैसे तुम मयूरी से अपना प्यार दिखाते हो, जैसे अपने प्यार का हारमोनियम बजाते हो, ऐसा वहां जाके थोड़ा प्यार का हारमोनियम बजाओ, उनको भी वैसे प्यार दिखाओ। उस लड़की में अपनी मयूरी को देखो, अपनी प्रेमिका को देखो। जाओ जाओ जाओ। तो फिर मैडम हमारी समस्या का समाधान निकल जाएगा ना? समाधान निकल जाएगा। मिस यू मयूरी। जाओ विजय हासिल करो जाओ। अरे ये पार्सल यही है अभी तक, देखो बोला था ना लेके जा, 7 बजे तक पहुंचाना है, आ जल्दी लेके जा। दारू, इधर दारू कहाँ मिलती है? दारू कहाँ मिलती है? यहाँ से सीधा जाके लेफ्ट। जी कहिए। हम इंक्वायरी कमीशन से आए हैं। अच्छा जी जी कहिए। मैं धीरज साहू और ये हैं हमारे सहयोगी मिस्टर लाल। हम अनुभव मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। हमें SHO हसीना मलिक और SI करिश्मा सिंह से पूछताछ करनी है। कहाँ है वो लोग, प्लीज बुलाइए उन्हें। संतोष जी
तो भगवान का लाख लाख शुक्र है करिश्मा मैडम उमरेला का राज राज रख के बीएसपी सर से हम लोग का इज्जत बचा ली, हम लोग का नौकरी बचा ली, थाना को बचा ली। लेकिन उमरेला का राज राज नहीं रहा ना, तो इंक्वायरी कमीशन वाला सब थाना का काया पलट देगा सब। संतोष, ये सब होने से सिर्फ एक ही चीज हम लोग के थाना को बचा सकता है, उर्मिला की आताश। वो पता नहीं कब आएगा, आएगी भी या नहीं। वही भैया, यहाँ के दारू की दुकान है आसपास। भाई साहब, ये यहाँ काय खड़ा हो गया? टोपा होगा, यहाँ क्या कर रहे हो? होश वालों को खबर क्या, बेखुदी का चीज है। नहीं नहीं, नाम क्या है जिसके पीछे आपने हमें लगाया है? नाम तो भूल गए, वो तो ये है ही, लेकिन नाम क्या है? हसीना, इनका नाम है हसीना मलिक। आप इनको उर्मिला भी कह सकते, कुछ भी कह सकते, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि वो भी कहाँ है। क्यों? बहुत लंबा कहानी बाद में बताएंगे। नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन हम फालतू नहीं बैठे हैं। हाँ, तुमको जो कहा जा रहा है ना, बस उतना करो, जाके उनको प्यार में फंसाओ, लेकिन उनको बताना मत कि हमने तुमको ये बोलने को करा। एक आखिरी सवाल, बको, ये जो आप हमें इनके प्यार के नाटक में फंसा रही हैं, इससे हमारा और मयूरी का क्या फायदा? अम्मा, तुम ये जो लव लपाटा में लोगे ना, उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, तभी ना हमें पता चलेगा कि तुम्हारा प्यार का ओवरडोज खराब है या फिर वो प्यार पचा नहीं पा रही है मयूरी। समझ रहे हो बात को? वाह, ये तो है। कटो कटो कटो। भैया सुनिए, यहाँ कहीं आसपास दारू मिल। खूबसूरत है वो, इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। भाई साहब, छुट्टा नहीं है मेरे पास, आप आगे जाइए। ये दिल हर किसी को नहीं चाहता, जब से तुम्हें देखा है कोई और नहीं भाता। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल हम कैसे नहीं लाता? तू जानता है मेरे को? ना हम तुम्हें जाने, ना तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा, मेरा हमदम मिल गया। जैसा नाम वैसी ही सूरत भी है। दारू पिलाएगा? दारू पिलाएगा? हम दारू नहीं पीते। पीता नहीं तो पिलाएगा भी नहीं। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। हेलो, एसआई करिश्मा सिंह जी। धीरज साहू, स्पेशल इंक्वायरी ऑफिसर। मैं अनुभव सिंह, केस पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ थाने में SHO हसीना मालिक और आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो बेहतर होगा जितनी जल्दी हो आप यहाँ थाने पहुँच जाएं। हम तुरंत पहुँचते हैं। मैं ये कहाँ चले जाते हैं बार बार? क्या है ये सब? मंदिर है ये सब। वो तो ठीक है, कोई पूजा वूजा करता है कि नहीं? लगता है आपके इस थाने में ईश्वर का बस नाम ही लिया जाता है, कोई दियाबाती करने वाला भी नहीं है। नहीं नहीं सर, पुष्पा जी दियाबाती करती है और दिन रात भगवान को याद करती है। बस एक बार भगवान इनको याद कर लेना तो काम है बंचे। वो कहते हैं जहाँ भगवान का नाम नहीं लिया जाता वहाँ बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घर बना लेती है। जी हम मानते हैं। मुझे यहाँ ऐसा ही महसूस हो रहा है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आरंभ है। बिलावटा तो नहीं है फिर? कहे नेगेटिव माहौल है। कहाँ है हसीना मलिक? उनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो वो कोर्स के लिए वहाँ गई है, वहाँ उनको इंजेक्शन लगता है रोज, उसी लिए गई है, आ जाएंगे अभी। वैसे अब आपकी काफी हो गई है, तो हमें ऐसा लगता है कि अब आपको काफी पी लेनी चाहिए। महात्रे, उर्मिला महादेव मात्रे। उर्मिला महादेव मात्रे, याद आ गया मेरे को सब कुछ याद आ गया। थैंक यू डार्लिंग सो मच, तेरी वजह से तो याद आया है मेरे को। मैं वही सोचूं कि इतनी देर से बैठ के मैं नीली पीली पी रही हूँ, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है। अब समझ में आया ना, क्योंकि मैं है उर्मिला महादेव मात्रे और मैं पीती है नारंगी, मंजे देशी। ए देशी ला रे पटपट। अरे आप देसी पियेंगी? बस क्या मतलब, इतनी सस्ती दारू, छी शेर, लानत है। किस पर? मेरे पर। हमारा मतलब है आप हमारे सपनों की रानी हैं। अरे आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हैं, तो आपके हाथों में सबसे महंगी वाली चीज होनी चाहिए ना। हाँ, मैंने हसीना मलिक की मेडिकल रिपोर्ट देखी है,
उसमें क्लियरली मेंशन है कि उनकी याददाश्त चली गई है। मैं समझ सकता हूँ ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा एडजस्ट करना, क्या गुजरती होगी उनपे। शर्मिला तेरा भी दिल टूटा है क्या? मैं उर्मिला रे और मैं दिल तोड़ती है। जा दूसरी बोतल लेके मेरे लिए जा। चल आप सब भी प्लीज जाइए बैठिए। आ गया मजा आ गया नहीं चिकने, मेरे को सब कुछ याद आ गया। जा एक और बोतल लेके आ जा। उर्मिला ये देखो, ये पूरे 2000 रुपए। ऐसा तुम्हें रोज मिले तो? उर्मिला महादेव मात्रे, वेलकम बैक। अनुभव सिंह आपका भाई था एसआई करिश्मा सिंह जी। आपके हाथ नहीं कांपे उन्हें शूट करते हुए? नहीं बिल्कुल नहीं कांपे। हमारे पिताजी ने हमें बहुत अच्छा परवरिश दिया है। ऐसा परवरिश नहीं दिया कि किसी देशद्रोही को मारते वक्त हमारे हाथ कांपे। उन्होंने हमारे वर्दी और कानून के प्रति सर्वोच्च रहना सिखाया है, तो हमने वही किया जो एक देशद्रोही के साथ होना चाहिए था। अनुभव सिंह जो भी हो, सबसे पहले हमारे लिए देशद्रोही थे। हसीना मलिक और अनुभव सिंह में क्या संबंध थे? एक तरफा प्यार। हसीना मैडम बहुत प्यार करती थी अनुभव सिंह से, पर अनुभव सिंह ने कभी उनसे प्यार नहीं किया। वो उनके प्यार का फायदा उठाते रहे, उनको धोखा दिया। एक बेवफा इंसान निकला अनुभव सिंह। क्या से क्या हो गया? एक मिनट उम्रिला जी। अरे हाँ पकड़ो उम्रिला जी, आराम से। मेरे प्यार में चिकने, तेरा पहला चांस था पर अब नहीं है। चल टेंशन नहीं लाने का मातारी, मेरे को सब याद आ गया है। कार्तिक उसके प्यार ने और दो बोतल दारू ने मेरे को याद दिला दिया है कि मैं कौन है। ठीक है ठीक है सफेदी। याददाश्त वापस आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो हसीना मलिक। चुप रे ओ हसीना। आप हसीना मलिक और कौन? मैं हसीना, मैं हसीन जरूर है पर मैं हसीना नहीं है। मैं है उर्मिला महादेव मात्रे। अभी तो आपने ही कहा कि आपने ड्रिंक की और आपकी याददाश्त वापस आ गई। बराबर। और अभी आप कह रही हैं कि आप हसीना मलिक नहीं है। बराबर, लेकिन दो पैक टू पिलाएगा तो बन जाएगी। क्या ये सब? क्या है ना सर, अब ये हसीना मैडम ही है मगर इस वक्त वो मैडम सर नहीं है। क्या मतलब? हम समझाते हैं। ये जो हवेली है ना, आप देख रहे हैं ना हवेली, ये जो हवेली है ना वो कई 100 साल पुरानी है। यहाँ ना रातों को आवाजें आती हैं। यहाँ एक एक वड़ा पाव वाली जो थी ना मुंबई की, उसकी आत्मा घूमती है। मतलब जो नवाब साहब थे ना, उसे शादी करने के लिए मुंबई से यहाँ लेकर आए और उन्होंने वादा तोड़ दिया, तो उस गम में वो इतनी शराब पीने लगी कि उसी में वो मर गई। तो उसकी आत्मा यहाँ घूमती है अभी भी। तो वो जो आत्मा है ना, वो अभी इसके अंदर गई है, इसलिए अभी वो मैडम सर नहीं है, उर्मिला महादेव मात्रे है। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु आरंभ है सर, इसलिए हमारा जिंदा रहना जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब बाद में कर लेंगे ना सर, अभी निकलते हैं। एक मिनट, अभी हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो हम दोबारा आएंगे। हाँ, ठीक चलो ठीक चलो चलो। क्या कर रही हो तुम? तुम लोग क्या करते हैं? तुम लोग बहुत छोटा समझते क्या खुद को? अभी सुन के लो, मेरे को सब याद आ गया है। मेरे को याद आ गया कि तुम लोग मेरे को दिन का 2000 देते हसीन दिलरुबा बनने का, उसका पैसा दिया नहीं है तुमने मेरे को अभी तक। कितने दिन हो गए? 1.5 दिन 2 दिन जितने भी दिन हो गए, मेरे को पहला पैसा दो। समझाइए डॉक्टर साहब, समझाइए क्या हुआ। बस यूं समझ लीजिए कि इनके यादों के जो बिखरे टुकड़े हैं वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की याददाश्त ही वापस लौटी है। बाकी के टुकड़े कब जुड़ेंगे
ये मैं बता नहीं सकता। जिस भाषा में समझा रहे हैं गुलजार साहब को बुलाना पड़ेगा समझने के लिए। मैं अभी आता हूँ। देखा ना, बाकी याददाश्त भी आ जाएगी वापस। हेलो, हाँ कार्तिक बोल। मैं चकाचक, तू कैसा? बराबर। हाँ रे, खाया मैंने। अरे अभी तो नाश्ता किया ना, तो खाना थोड़ी देर बाद खाएगी। हाँ ठीक है ठीक है, थैंक यू पूछने के लिए। बाद में फ्री होके तेरे को फोन मारेगी। ओके बाय। देखो तुम लोग जलना चाहो तो जल सकते हो, पर क्या है, मैं बहुत खुश है। पहली बार जिंदगी में इतना प्यार करने वाला आदमी मिला मेरे को। मालूम एक एक सांस, एक एक नाखून का खबर रखता है मेरी। क्या लकी रे, मैं मस्त कबूतर मिला अपने को। चकाचक एक नंबर हो गया रे। चलो ना अभी। पुष्पा जी, सब जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक नहीं हो रहा है। नहीं मतलब किसी के भावना के साथ खेलना है, ठीक बात है का? हमको तो लगता है ना कि हम लोग को उमरीला को बता देना चाहिए कि जो कार्तिक है ना उसका आशिक ओसिक नहीं है, खाली करिश्मा मैडम कहने पर ही सब कर रहा है वो। क्या बात है, इतना गंभीर कुछ हुआ का? नहीं मैडम, ऐसे बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक तो ना हमारा पर्सनल लेवल पर सजेशन है। सजेशन ये है कि हमको नहीं लगता है कि हम लोग जो उर्मिला के साथ कर रहे हैं ना वो ठीक कर रहे हैं। किसी के भावना के साथ खेलने से पाप पड़ता है, उसको सब सच बता देना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है मैडम। वैसे बात तो सही है, अपना काम निकालने के लिए किसी का ऐसे इस्तेमाल करना अच्छी बात भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ क्या? हाँ हमको भी कुछ सूझ नहीं रहा है, नहीं तो हम भी कुछ और ही करते। अभी कैसे उसका याददाश्त वापस लाए बताओ हमको? तुम लोगों को कुछ सूझ रहा है तो बता दो हमको, हम वैसा कर लेंगे। ये करते तो ये खराब हो जाता है, वो करते तो वो खराब हो जाता है। कहाँ निकाले अपना फ्रस्ट्रेशन बताइए? वही कीजिए ना जो आप हमेशा करती आई हैं। क्या करते हैं? अपनी गन निकाल के हवा में दो तीन फायर कर दीजिए। बहुत बढ़िया। अरे नहीं मैडम, एक मिनट, अब वो मतलब हवा में तो आप कितने बार मार चुके हैं ना, थोड़ा डिफरेंट ट्राई करते हैं ना, थोड़ा मार दीजिए। पुष्पा जी बाप रे, संतोष जी मरवा देंगे, संतोष जी गोली मरवा। नहीं 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 जीते तुझे नहीं, वो गोरी दिख रही है वहां पे ऐसे क्रॉस मार्क वाली, उधर निशाना लगा दो। गुड आइडिया। अरे ये देखो, ये दोनों नालायक चुप कर अपनी बातें सुन रहे थे। मैडम मैडम छोड़ी क्यों, गोली मारी रहती, वैसे भी जंगली सुअर सबका ज्यादा दिन जिंदा रहना ठीक बात नहीं होता है। ये क्या है? तुम्हारा कब? तुम क्या भागने की तैयारी में हो क्या? तुम कहीं नहीं जा रही हो, समझ रहे हो हमारी बात को? और हमें तुमसे कुछ वार्तालाप करना है, कुछ बहुत जरूरी बात है जो हमें तुम्हें बताना है, हमारी मंशा को समझने का प्रयत्न करना, ठीक है? बाप रे बाप। देखिए ऐसा है कि मयूरी का पति जो है कार्तिक, उसने हमारे कहने पे तुम्हारे साथ ये नाटक किया प्यार का। नहीं मतलब एक मिनट, हम मयूरी का समस्या समझ नहीं पा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्यार करने वाले से दिक्कत हो कैसे सकता है किसी को। उसने तुमको प्यार दिखाया, तुम्हें कितना अच्छा लगा, सेम प्यार वो मयूरी को दिखाता, उसको दिक्कत हो जाता है कैसे? और जब भी प्यार मोहब्बत का बात तुम्हारे सामने हो रहा था, तुम्हारा याददाश्त करंट मार रहा था, तो हमको लगा हम एक वायर से दो बल्ब जला देंगे, मयूरी का समस्या भी समझ में आ जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारा याददाश्त भी वापस आ जाए। तो हमने सोचा कि क्यों ना ये प्यार का ड्रामा करवा दे ताकि दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो माफ कर दो अगर हमने तुम्हारे को हर्ट किया या तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट किया। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम ड्रामेबाज लोग पर ना मेरे को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, कर लगा झूठ बोलते रहते पूरा टाइम। एक तो मैं इधर कंफ्यूज होकर बैठी है कि मैं हसीना है कि मैं उर्मिला है कि क्या करूँ, मैं धोबी का कुत्ता बन के बैठी है इधर।
एक वो अच्छा खासा कार्तिक नाम का आदमी मिला था, मेरे को लगा कि उसको मेरे से सच्चा वाला प्यार है, वो भी नाटक निकला। तुम में से कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, तुम सब धोखेबाज हो, मेरे को किसी के साथ नहीं रहने का है। मैं जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ मुंबई में अपना वड़ा पाव बनाएगी, उधर कम से कम साजन तो है मेरे लिए। हट यहाँ से, नीचे आया ना तो बहुत पछताएगा। हट, चल तेरे। एक मिनट। क्या रे? अच्छा जाइए 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 जाइए।